अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपसे दोबारा हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, क्वेश्चन अभी जो है जिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपको बता रहा है कि कमेंट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोच पे, किसने डिस्कसमेंट कैसे किए, इसको कैसे अप्रोच किया है। तो सिनेरियो मैं आपको बता चुका हूँ, ओवरऑल जो उनकी रिस्क असेसमेंट की अप्रोच है वो अच्छी नहीं है, ना कि उन्होंने कभी जो है वो रिस्क असेसमेंट कंडक्ट की है, ना कि उसको डॉक्यूमेंट मिला और एडवाइज़र जो है वो ढूंढ रहा था, और ना ही कोई शिफ्ट मैनेजर को या किसी और को पता था कि रिस्क असेसमेंट कहाँ बढ़ी हुई है, ठीक है, और ना ही इन हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि बार बार रोलर जाम होता रहता था और इश्यूज आ रहे थे, ठीक है, सिग्नल रेट भी ज़्यादा था उसमें, और बहुत सारी चीज़ें सिनेरियो में मेंशन की हैं जो कि उसके बैड अप्रोच को जाहिर करती हैं। तो पर क्वेश्चन आपने जो है वो आपको नीचे मेंशन किया गया है कि आपने सिर्फ फोकस करना है जनरल अप्रोच पे, 5 स्टेप पे आपने डिटेल में नहीं जाना। तो उसी के हवाले से मैं आपको पिछले पेपर का रेफरेंस दूँगा जो कि मैंने किया था, बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे किया है। इसमें आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 पे था कि जो है कमेंट आपने करना था ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोच पे, तो उसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे कमेंट करना है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि सिनेरियो के उस सिनेरियो के हिसाब से जो है ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोच जो है वो भी पुअर थी, जो इस सिनेरियो में भी ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच पुअर है, ठीक है। तो इसमें हेडिंग्स आपने ये देनी है, जैसे अनकम्प्लीट रिस्क असेसमेंट है तो ये आप ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं, ठीक है, हैज़र्ड जो है वाज नॉट हाईलाइटेड तो नहीं आएगा, पर हैज़र्ड नॉट मेंशन या हाईलाइट, ठीक है, या हैज़ ऑफ कम्युनिकेशन, हैज़र्ड कम्युनिकेशन भी नहीं है, नेगेटिव अप्रोच है, रिस्क परसेप्शन नहीं है, ठीक है, जो मैनेजर्स हैं उनकी रिस्क परसेप्शन नहीं है, मैनेजमेंट की भी नहीं है, मैनेजमेंट लैक ऑफ मैनेजमेंट लीडरशिप जो है वो भी नहीं है, ठीक है, एमडी ने आपको देखा कि एमडी जो है वो आप नीचे जो एक्सीडेंट होने के बाद शिफ्ट मैनेजर को ऑर्डर करता है कि आप मशीन चलाओ और रुकनी नहीं है, तो उसका मतलब है कि मैनेजमेंट लीडरशिप नहीं है, ठीक है, वो एक्सीडेंट सीन को प्रिजर्व नहीं कर रहा, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, वो जस्ट रेस्ट कर रहा है अपने काम के ऊपर, डिलीवरी जल्दी जल्दी करे। ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल कल्चर है वो भी सही नहीं है, ओवरऑल कल्चर में आप इंडक्शन देखते हैं, आप उनका बिहेवियर देखते हैं मैनेजर्स का, वो भी सही नहीं है, एमडी का बिहेवियर भी सही नहीं है, ठीक है, फिर वर्कर जो विटनेस आता है वो भी काम में चला गया डिस्टर्ब है, वो उसका भी ठीक नहीं है, और जो अर्ली शिफ्ट मैनेजर था जो उसको भी उसने भी सीरियस नहीं लिया, उसने मशीन को चला दिया, उसने प्रिजर्व नहीं किया या उसने कोई कोशिश नहीं की, तो कल्चर ओवरऑल बैड है, और कॉम्पिटेंस भी नहीं है किसी के, किसी को पता ही नहीं है क्या करना है एमरजेंसी के तौर पे, लैक ऑफ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस भी है इन केस ऑफ एमरजेंसी, क्या करना है फर्स्ट अगर जाम हो जाए तब क्या करना है रोलर, या फर्स्ट एड अगर इंजरी हो जाती है तो क्या करना है, तो किसी को कुछ जो है वो नॉलेज नहीं थी और ना ही प्रॉपर इंट्रैक्शन थी, ठीक है, और इसी तरह जो है रिस्क असेसमेंट की ट्रेनिंग भी किसी को नहीं दी गई कि रिस्क असेसमेंट कैसे करना है। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट की जो जनरल अप्रोच है वो ओवरऑल बैड है, रिस्क असेसमेंट जो आप कह लें कि कोई फ्रिक्वेंटली ऐड नहीं है, उसमें मशीन की डेट 2017 की है, उसमें डॉक्यूमेंट भी शो नहीं हो रहे, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ही नज़र आती हैं, टेम्परेरी वर्कर को हायर कर रहे हैं तो उनका रिस्क असेस नहीं किया गया कि उनको हायर करने से क्या हुआ, इंडक्शन भी नहीं दी जा रही, तो ये रिस्क असेसमेंट में जो है वो रिस्क को बढ़ाती हैं जो कि असेस नहीं किए गए, ना उस पर रिस्क असेसमेंट मिली है। सबसे मेन चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट जो है वो हर किसी को पता होना चाहिए, वो भी नहीं पता, ठीक है, मतलब ये पॉइंट भी बन सकते हैं, तो ये इसके चंद पॉइंट्स हैं, ये 2-8 पॉइंट्स हैं, पर आप ज़्यादा पॉइंट्स भी इसमें बना सकते हैं सिनेरियो के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर जो है 5 में, ठीक है, आपका क्वेश्चन टास्क 5 में आप हेल्प करेंगे, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे क्वेश्चन के अपडेट के लिए इस चैनल पे जो है विजिट करते रहें और बेल आइकॉन पे क्लिक करते हैं ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें।